कैसे हो, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी प्रिंस जैक्सन चैनल। उम्मीद होगा सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, बाद होंगे, सेफ होंगे। गाइस मेरा नाम फिजान, मेरा नाम है जावेद। तो गाइस आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, धमाकेदार होने वाली है। गाइस मेजर गौरव की गाइस क्या ही बात है यार, ऑसम है यार। गाइस वीडियो का टाइटल है मेजर गौरव आया थग लाइफ, गौरव आया सब है इंडियन आर्मी थग लाइफ, गौरव अमेजिंग फनी है भाई, अमेजिंग है, हट के देख रहे हैं। तो गाइस मैं चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें जो मुझे आगे अपडेट होगी अब तक पहुंच जाए करेगा। काउंट स्टार्ट करते हैं 3-2-1 एंड स्टार्ट। आशुतोष आपके कान खराब है कि दिमाग खराब है? ए मैं क्रैक नहीं हूं, मिला सिर्फ एक क्लू दिला है। बदतमीज आदमी तुम हो, यहाँ पे आधे घंटे से बकवास कर रहे हो। यू आर नॉट अलाउइंग एनीबॉडी एल्स टू स्पीक। निकाल के आप ही भागो। अरे आउट, वन सेकंड वन सेकंड वन सेकंड व्हाट अप, पहले के बात करो। हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। तुम्हारी औकात 500 रुपए की है, ये लो 500 रुपए, अपना मुंह बंद करो जाहिल इंसान। कर्नल पुरोहित तुम्हारा बाप है कि नहीं है? कर्नल पुरोहित तुम्हारा बाप है। तेरा बाप आया, तेरा बाप आया। आपका ट्वीट का इंतजार रहेगा साहब, आपके ट्वीट का इंतजार। चीन के खिलाफ, नॉट DGISPR, चीन के खिलाफ उइगर मुसलमानों के साथ मेजर गौरव आर्य खड़ा है। मुना ट्वीट करेंगी या लानत से काम चलाएगी? मेरा ख्याल है लानत से काम चलाना चाहिए। ट्वीट की हिम्मत बस हवा निकल गई। मेरा ख्याल है लानत से काम चलाना चाहिए। ट्वीट की हिम्मत नहीं है, ट्वीट की हिम्मत मोदी है भैया जी। आप तो तुम्हारी किस्मत में लिखा है कि हर शाम हिंदुस्तानी टीवी चैनल पे आके जलील होना है। तुम शाम की डिबेट पे भी आना, उस समय मैं इंग्लिश में जलील करूंगा तुम्हें, अभी हिंदी में कर रहा हूँ। कह रहे हो ना कि बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत बुजदिल है और मोदी बुजदिल है। सुनो मेरी बात, हम लोगों ने अपने शहर की बत्तियां बंद नहीं करी तुम्हारी तरीके से, डर के मारे पूरे कराची की बत्तियां बंद कर दी कि इंडियन एयरफोर्स आ जाएगी। दोस्तों इस शुरुआत की धोई पछाड़ से तो आप समझ ही गए होंगे कि ये थग लाइव वीडियो मेजर गौरव आर्या पे है। मेजर गौरव आर्या 25 सितंबर 1972 को दिल्ली में वेल रेपुटेड फैमिली में पैदा हुए थे। उनके पिता जो थे वो आईपीएस ऑफिसर थे 1960 बैच के। उन्होंने ग्रेजुएशन की सेंट स्टीफन कॉलेज 1992 में और 1993 में वो आर्मी में भर्ती हो गए और वहां पे लेफ्टिनेंट बन गए। एक पहाड़ से गिरने के कारण उनको बहुत ज्यादा चोट लगी और काफी दिन हॉस्पिटलाइज्ड रहे। उसके बाद मेडिकल रीजंस की वजह से इंडियन आर्मी को उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। उसके बाद उन्होंने अपने एमबीए करके कॉरपोरेट करियर की शुरुआत की। फिलहाल वो पाकिस्तानियों को धोबी पछाड़ देने में, अगर कोई पाकिस्तानी नहीं भारत में भी कोई भी अगर देशद्रोह की बात करे तो उनके ट्वीट्स देख लीजिए, उनके वीडियो देख लीजिए, रिपब्लिक मीडिया हो या फिर ओप इंडिया हो, कहीं भी वो जाते हैं अगर देशद्रोही उनके सामने पड़ जाए वो उसको उठा उठा के बिठा देते हैं। जैसे आशुतोष को शुरुआत में कहा चल भाग निकल यहाँ से। तो देखिए आगे वीडियो एंजॉय करिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही वीडियो मैं लाता रहता हूँ, मिलता हूँ एंड में। और ना भी काम जाहिल है, ये लोग पढ़ते लिखते नहीं है। ये इंडिया डज नॉट हैव अ सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, इंडिया इज सुपीरियर। पाकिस्तान ने ना कभी टेररिज्म की है और ना सपोर्ट किया है। मस्त जोक मारा आरजू जी आपने, जो ये बात बोली कि पाकिस्तान टेररिज्म नहीं फैलाता है, बहुत अच्छा लगा सुन के, बहुत हंसी आई। एक और सुना दीजिए आरजू जी। मैं बात बताता हूँ, ट्राइबल एरिया से बलूचिस्तान से लोगों को जमा किया जाए दुनिया में। ये किसने बोला था? ये किसने बोला था? आपने बोला जी, इसका मतलब भाई आपका फेमस है पाकिस्तान में, बिल्कुल सही। गांधी को मरवाने वाले, सुनो मेरी बात सुनो, बड़ा गांधी याद आ रहा है, चार लड़ाइयां करके और आतंकवाद फैला के, बड़ा गांधी याद आ रहा है तुमको? क्यों मैं जब मार पड़ी तो गांधी याद आने लगा? मेजर साहब जब मार, हाथ मत जोड़ो मेरे सामने, कोई फायदा नहीं है कमर चीरा। आप पढ़ाई की बात कर रहे हैं, मेजर रहम नहीं करेगा तुम्हारे ऊपर, हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। म्यूजिक आशा करता हूँ कि आप नानी जी के घर से सुकुशल मंगल वापस लौट आए होंगे। भाई साहब आप ही ने तो बोला था नवजोत सिंह सिद्धू आप ही के पार्टी के, क्या बोला था उन्होंने? उन्होंने बोला था कि कुछ नहीं हुआ वहां पे, कुछ कौए कुछ पेड़, कुछ कौए और कुछ पेड़ गिरे और मरे,
राहुल जी, अगर कौवे और पेड़ का ही नुकसान हुआ तो फिर आपको तो दुख होना ही नहीं चाहिए। आप नानी हाउस जाना बंद करें राहुल जी। सबसे पहली बात, इटली भागना बंद करें। आप देश में रहिए, गरीब आवाम के लिए आप काम करिए, जनता के लिए काम करिए, और जो सबूत लाएं अर्नब के खिलाफ, रिपब्लिक के खिलाफ, तो थोड़ा सा पुख्ता मजबूत सबूत लेकर आए। हमें भी तो मजा आया जवाब देने का। भाई मजा आया, इंडिया से ही हो सकता है पहली चीज, लेकिन वहां पे लोग रहते हैं, वहां पे मासूम लोग रहते हैं, और अगर वहां पे मिसाइल गिरेगी तो हाफिज सईद को कम ले जाएगी, मासूमों को ज्यादा ले जाएगी, और भारत ऐसा करता नहीं है सर। अगर भारत ऐसा करता होता तो बहुत पहले कई चीजें साफ हो चुकी होती। पाकिस्तान की तो ऐसी की तैसी कर रहा है, धुलाई कर रहा है, चक्के मार रहा है। आप लोग उनको टेररिस्ट बोलते हैं, गलत चीज है। दे आर फ्रीडम फाइटर्स एंड वी सपोर्ट आवर बलूच ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। झूठी कॉन्स्टिट्यूशन की कसम खाते हो और दिल में हिंदुओं के लिए नफरत लेके जिहाद फैलाते हो। मैं फिर से एक सवाल पूछ रहा हूँ, रियाज नायकू आतंकवादी था कि नहीं था, हाँ या ना? जानता है, हाँ या ना? हाँ या ना? रियाज नायकू आतंकवादी था, हाँ या ना? हाँ या ना? पहले मुझे नहीं, पहले नहीं, पहले मेरे सवाल का जवाब तो तब मैं बोलूंगा। वो दहशतगर्द क्या है या कि नहीं है? नहीं सुनिए, कर्नल पुरोहित दहशतगर्द है या नहीं है मुझे बताइए। कर्नल पुरोहित तुम्हारा बाप है कि नहीं है? कर्नल पुरोहित तुम्हारा बाप है? बात सुनिए मेरी, इसको निकालो यहाँ से। अरे निकालो इसको, सुचारता यहाँ से पहले। अरे इसको निकालो यहाँ से, गेट आउट। एक ही बात पूछ रही हूँ, एक मिनट यहाँ से निकलो, जाहिल इंसान, बिके हुए आईएसआई के एजेंट। मैं आपसे सीधे पूछ रही हूँ। अरे भगाओ इसको, गंजिया को यहाँ से पूछ रही हूँ। सुनिए, कोई मत पूछो इसको सवाल, भगाओ इसको। इसने कैसे कर्नल पुरोहित का नाम लिया? अरे भागो यहाँ से, लश्कर तैयबा के कमांडर, भाग यहाँ से, भागो लश्कर के कमांडर यहाँ से। खत्म, झूठ बोल रहा है। इसने रोजे रखे ही नहीं है, ये खा पी रहा था। अब इस कश्मीर की पॉपुलेशन मुस्लिम है, उनको दिखा रहा है टीवी पे कि देखो मैं सच्चा मुसलमान हूँ, ये झूठा है। इसने कोई रोजे वोजे नहीं रखे, झूठ बोल रहा है। बाय बाय टाटा गुड बाय, गया गौरव दूसरी चीज मुद्दे पे लगता है, शक्ल से आतंक मुद्दे छप रहे हो अरबियों का नाम लेके। बंद करो, उसकी दो रुपए की औकात नहीं है, उसकी दो रुपए की औकात नहीं है। तुम और तुम्हारे भीख मांगे प्राइम मिनिस्टर को, इमरान खान कोकेन का नशेड़ी जो है, नशेड़ी नशेड़ी 2000 रुपए, मैं तुम्हारे लिए 500 भी सुचारिता कुग्रेती के पास खुले नहीं है, वरना मैं तुम्हें देता 100 रुपए। याना मीरचंदानी साहिबा ने बुरहान वानी को यह बोला है कि कुत्ते की मौत मारी है, तो मैं, मेरा बहुत बड़ा एक ऑनर है कि मैं दो आर्मी ऑफिसर्स को जानता हूं पर्सनली जिन्होंने उसको कुत्ते की मौत दी। याना आई टोटली सपोर्ट यू, अच्छा मारा बुरहान को, ठीक मारा, ठोक दिया, और कुत्ते की मौत मारा, ये भी कह रहा हूं मैं, आई सपोर्ट। आप, मैं आप लेडी हैं, मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन आपके बगल में जो 250 किलोग्राम का एटम बम बैठा है जिसका नाम चीमा है, अब 250 किलो के एटम बम, मेरी बात सुनो। जब भाई तुम लोग कहते हो कि कश्मीर में दिक्कत है, कश्मीर में जेनोसाइड है, तुम लोगों का वकील पहले आपस में बातचीत तो कर लो, बात करो भाई, वहाँ पे आपस में बातचीत तो कर लो। इंडियन टीवी शो में आके क्यों जलील होते हो रोज? आपके फादर आए हैं। मैडम मैं आपसे बात नहीं कर रहा, मलिया मैं आपसे बात नहीं कर रहा, आपके बगल में जो 250 किलो का आइटम बम है जिसका नाम कमर चीमा है, मैं उससे बात कर रहा हूँ। इसको गजनवी में बांधो, लेवल है यार। मैं जब गौरव के साथ बात कर रहा हूँ, मलिया ये कमर के साथ बात हो रही है, मलिया ये कमर के साथ बात हो रही है, देखो सुनो, कमर के साथ बात हो रही है, कमर को, कमर चीमा को छोड़ दो, कमर चीमा प्यारी समझ गई, रुको। अरे आपको 250 किलो के बम है जिसके ऊपर पाकिस्तानी कौम को नाज है। आ, 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 आ,
यार काके ये चना नहीं होता, दिस इज चाइना। एक ये जासूस नहीं होता, जासूस है। आपकी नेशनल लैंग्वेज उर्दू है, आप अपनी लैंग्वेज का कत्ल ना करें। बर्बाद कर दिया आपने पूरी लैंग्वेज को। इतनी खूबसूरत जबान है उर्दू, आप लोगों ने मर्डर कर दिया। आप बोलेंगे जासूस, आई एम श्योर आप उर्दू स्पीकिंग है, आप बोल सकती हैं जासूस आराम से, आप जासूस नहीं बोलेंगी। जी सर जासूस। जी बिल्कुल, ये देखिए अरना भी, ये हमारे तरफ की है, ये हमारे तरफ की है अर्जु जी। नॉलेज बंदा की वाकई में जो गौरव आर्मी से रिटायर है और उसको काफी शौक था आर्मी के बारे में, जब उसका एक्सीडेंट हुआ तो गाय इसने आर्मी छोड़ दिया, गाय एमबीएस पहाड़ से गिरा था और इसने एमबीबी आकार के इतने हाई डिग्री गाइस ली और जिनकी गाय ये बैंड बजा रहा है भाई, बैंड के लाइव बहुत निशान अमेजिंग गाइस, थग लाइक जरा भाई, तो ऐसे ऐसे मार रहा है पाकिस्तानी चित्ते मार रहा है शिवाय लेडीज भाई की। भाई क्या बात है, क्या धोया यार, एक बात है लेडीज की इज्जत बहुत करते भाई। मैं इतना हैरान हो रहा हूं कि यार इसको इतना नॉलेज, यार इतना स्टडी, इतना आईक्यू लेवल भाई, ऐसे ऐसे चित्ते मार रहे हैं ना उस पे, उनका मुंह बंद कर देते थे। आई होप गाइस हमारे साथ बैठ कर अपने जरूर एंजॉय किया, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।